we were discussing in the different videos and that how we can become a good homeopath, and I was expressing my views that we have to follow the different steps, then we can become a good homeopath. I am not talking about to become a homeopath, I am talking about how to become a good homeopath. तो मैंने इसके बारे में आपको बताया, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया, एजुकेशन के बारे में बताया, फिर उसके डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया. अब जो चौथा पॉइंट है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, और वो है होम्योपैथिक फिलॉसफी. जब हमने मुख्तलिफ कंपेरिजन मैथड ऑफ ट्रीटमेंट्स कर लिए, तो अब हमने देखना है कि जी हम होम्योपैथिक इंतखाब किया, तो मैंने कहा था कि होम्योपैथिक फिलॉसफी के बारे में आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए कि आपको अगर होम्योपैथिक फिलॉसफी का नहीं पता, आपने किसी मरीज का इलाज करना है, तो वो पहले सबसे पहले होम्योपैथिक फिलॉसफी को सामने रखना है, तो फिर आप इलाज कर सकते हैं. अगर आपको उसको नहीं पता, फिलॉसफी का नहीं पता, तो आप अच्छा होम्योपैथ नहीं बन सकते, सारी जिंदगी नहीं बन सकते. अब आप देखें इसमें क्या है. सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये होम्योपैथिक जो है ये किस पे बेस करती है, हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड. डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, ही वॉज ए फिजिशियन फ्रॉम जर्मनी, ही डिस्कवर्ड होम्योपैथी. द वर्ड इज होम्योपैथी, दैट वॉज डिस्कवर्ड बाय द सैमुअल हैनीमैन. अब ये कैसे डिस्कवर्ड हुई, अगर थोड़ा सा आप इस पर स्टडी कर लें तो आपको सारी फिलॉसफी समझ में आ जाए. अब हैनीमैन साहब क्या कर रहे थे, वो एक तो बुनियादी तौर पर उनकी बहुत सारी फील्डें हैं, जिस तरह मेरी फील्ड है ना, बहुत सारी फील्डें हैं. मैंने हैनीमैन ने लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा डिग्रियां की हुई थी, उसने 10 साल लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग की है. जनाब मैंने भी BLS किया हुआ, बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस किया हुआ, मैं भी कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन की है, और दुनिया का पहला लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप किया. तो मैं मजाकन आपसे बात की है कि हैनीमैन जो है केमिस्ट था, तो मैंने भी BSc केमिस्ट्री में की थी, उसके बाद मैंने MSc की थी, लेकिन केमिस्ट्री तक जो मेरी तालीम है, ग्रेजुएशन तक मेरी तालीम थी, वो जमींदार कॉलेज से मैंने BSc उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर किया था. अच्छा, तो वो हैनीमैन भी जो है ना वो केमिस्ट था जाहिर है, लेकिन वो बड़ा केमिस्ट था. इसके अलावा आप देखें कि हैनीमैन जो है वो ट्रांसलेशन करता था, उसको मुख्तलिफ ज़बानों के बारे में बड़ा अबूर हासिल था. तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक मजाकन बात कर रहा हूँ कि यकीन मैंने मुझे भी ऑटोमेटिक, इसको मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन मुझे पहले भी ये इलम था कि अगर हम मुख्तलिफ ज़बानें सीखें तो हम बहुत सारा नॉलेज हासिल कर सकते हैं. तो मैंने तकरीबन 11-12 ज़बानें जो है मुख्तलिफ मुल्कों की सीखी हैं, ताकि हम नॉलेज को अपने पाकिस्तान में ट्रांसफर कर सकें. जो बाहर के मुल्कों में रिसर्च वर्क हो रहा है उसको हम ट्रांसलेट करके पाकिस्तान में ट्रांसफर कर सकें. हैनीमैन क्या कर रहा था, अब हम उस तरफ नहीं जाते. आप लोगों ने कहना ये ना अपने आप को हैनीमैन बनाने की कोशिश करें, यकीन मैंने ऐसी बात नहीं, मैं सिर्फ एक आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करना चाहता हूँ कि जी हैनीमैन जो है वो केमिस्ट था, मेडिकल फिजिशियन था, MD था, वो एक ट्रांसलेटर था, वो मुख्तलिफ ज़बानों का माहिर था, उसने बहुत सारे मुख्तलिफ अलूम के पर वो उसने दस्तरस हासिल की थी. तो ये जब तक आपके पास नहीं होगा, आप नई चीजें दरियाफ्त नहीं कर सकते. अब वो क्या कर रहा था कि एक आप यूँ कहना चाहिए कि एक किताब थी, या किताब तो ना कहें, एक आर्टिकल था, ए ट्रीटाइज ऑफ मटीरिया मेडिका बाय विलियम कूलिन. इस कूलिन के मटीरिया मेडिका की एक इकतबास को वो ट्रांसलेट कर रहा था, वहां लिखा हुआ था कि जो ये जो मलेरिया बुखार है ये कुनीन से अगर ठीक होता है तो इस वजह से ठीक होता है कि ये इसके अंदर बहुत ज्यादा कड़वाहट है, या इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है ना वो अल्कलाइड्स मौजूद होते हैं, इस वजह से ये ठीक होता है. तो ये उसने तर्जुमा करते हुए नोट किया, उसने कहा ये मेरे माइंड को इसने एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई ये किस तरह हो सकता है कि सिर्फ कड़वी चीज जो है ना वो किसी बीमारी को ठीक कर दे. तो ये तो बहुत सारी चीजें हम ना, जो कि MD डॉक्टर भी था, तो वो तो कहता है बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं और लेकिन वो कड़वी भी हैं, लेकिन वो मलेरिया को ठीक नहीं करती हैं. तो उसने वहां पर तो तर्जुमा कर दिया, क्योंकि वो तर्जुमा करके पैसे लेता था, प्रैक्टिस तो करता नहीं था, पहले वो प्रैक्टिस करता था लेकिन छोड़ दी हुई थी. फिर वो लाइब्रेरी के अंदर लग गया, वहां पर काम करता रहा. फिर उसने एक दफा क्या हुआ कि उसको वो जर्मनी से भी निकाल दिया गया, तो उसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी. देखिए वो मुख्तलिफ तरीका इलाज और मुख्तलिफ अलूम का माहिर था, तो MD उसका एक शौक था जिसमें उसके वालदैन ने उसको करवा दिया. जब उसने प्रैक्टिस की और उसको मालूम हुआ कि ये कोई ऐसा तरीका इलाज नहीं है जिससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता हो, तो उसने इस तरीका इलाज को छोड़ के अपनी गुजर औकात के लिए ट्रांसलेशन शुरू कर दी. यहां से उसको पता चला कि ना फार्मूला किस तरह दरियाफ्त हुआ, या होम्योपैथी किस तरह दरियाफ्त हुई, कि जी ये जो कड़वी दवाएं जो है ना ये नहीं ठीक करती हैं. उसने क्या किया कि उसने सिंकोना बार्क,
एक दरख्त है सिंकोना, उसकी छाल बार ली और उसकी लीथल डोज का उसको पता था कि लीथल डोज क्या होती है, जिससे बंदा मरता नहीं, लीथल डोज उससे कम, लीथल डोज होती है जिससे बंदा मर जाए। उसने कौन सी डोज इस्तेमाल की जो लीथल डोज से कम है, उसको अपने ऊपर आजमाया और उसने कहा कि जब से मैंने ये दो तीन खुराकें सिंकोना बार की ली हैं तो मुझ में कुछ अलामात पैदा हुई हैं। क्या क्या अलामात पैदा हुई हैं? कहता जी मेरा मुंह कड़वा हो गया है, मुझे सर्दी के साथ बुखार चढ़ रहा है, फिर वो कहता है जी कि मुझे ना मेरा सर दर्द हो रहा है, फिर मुझे जनाब ना कभी बुखार तो जाता है कभी चढ़ जाता है, प्यास लग रही है, मुँह कड़वा है। तो ये उसने नोट किया क्योंकि वो डॉक्टर भी था, MD डॉक्टर भी था, तो उसने ये नोट किया कि यार ये तो मुझ में मलेरिया जैसी अलामात पैदा हो गई हैं, सिंकोना बार खाने से मुझ में मलेरिया जैसी अलामात पैदा हो गई। लेकिन अगर आप उसका ब्लड टेस्ट करें, हनीमान का उस वक्त अगर ब्लड टेस्ट किया जाता तो उसमें प्लाज्मोडियम नहीं था। जो उसके पास मरीज आते थे, द पीपल हु आर लिविंग इन द मार्शी प्लेसेस एंड द डैम प्लेसेस, दे वर इफेक्टेड विद द मलेरिया डिजीज एंड दे वर कंसल्टिंग टू द सैमुअल हनीमान फॉर देयर मलेरिया ट्रीटमेंट एंड ही वाज प्रिस्क्राइबिंग द क्विनिन। बट फ्रॉम दिस ट्रांसलेशन ही हैज डिस्कवर्ड दैट फार्मूला दैट द होम्योपैथी, why these homeopathic medicine, why these medicines are curing the patient, that is not due to the alkaloids or the kadvi dawaye, iski wajah se nahi tha ye. usne kaha ki bhai is in adviyat ke andar asal mein malaria jaisi kaifiyat ya malaria jaisi alamat paida karne ki salahiyat payi jati hai, is wajah se ye दवाए जो इनको ठीक करती हैं। अगर बेलाडोना एलोपैथिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसमें बेलाडोना, उस बेलाडोना जिस बीमारी के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जिन अलामात के लिए इस्तेमाल की जा रही है, उसके अंदर बेलाडोना जैसी अलामात पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। ये उसने फार्मूला उसने ड्राइव किया, ये उसने डिस्कवर किया। जिस तरह अभी आप आइंस्टाइन को ले लें, उसने फार्मूला दरियाफ्त किया था E=MC². आज आइंस्टाइन को आप नोबेल प्राइज दे रहे हैं, लेकिन अगर ये होम्योपैथी का जो फार्मूला है और पूरी वर्ल्ड मेडिकल साइंस का, ये होम्योपैथी का फार्मूला नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड का फार्मूला है, अगर उस जमाने में नोबेल प्राइज होता तो सैमुअल हनीमान को इस फार्मूला डिस्कवर करने पर नोबेल प्राइज मिल सकता था। और ये आपको मैं बता दूं कि ये इतना बड़ा, आज भी उनकी किताबों में, जो केमिस्ट है उनकी किताबों में आज भी लिखा है कि उसने मरकरी को डिजोल्व किया था, क्योंकि वो केमिस्ट था। तो आप केमिस्ट्री की तमाम रिसर्च वर्क में चले जाएं जहां पर लिखा होगा ना कि मरकरी वॉज डिजोल्व, तो आगे लिखा हुआ सैमुअल हनीमान। जो केमिस्ट है उसको वो एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं जानते हैं सैमुअल हनीमान को, केमिस्ट जो साइंटिस्ट हैं, जो PhD डॉक्टर हैं, जो केमिस्ट्री के, वो सैमुअल हनीमान को एज ए होम्योपैथ या MD डॉक्टर नहीं जानते हैं, वो उसको एज ए केमिस्ट जानते हैं। और मरकरी भी जो उसने डिजोल्व किया, जो दुनिया का वाइट डॉक्टर था, उसके ऊपर भी उसको नोबेल प्राइज मिल सकता था, लेकिन उस जमाने में चूंकि नोबेल प्राइज अवेलेबल नहीं था इस वजह उसको नहीं मिला। लेकिन आज हम उसको नोबेल प्राइज दे सकते हैं कि उसने दो चीजें दरियाफ्त की, एक तो उसने मरकरी को डिजोल्व किया जो मेटल है, एलिमेंट है, और दूसरा उसने क्या किया, उसने ये फार्मूला डिफाइन किया और डिस्कवर किया कि वो जो अद्वियात किसी मरीज को ठीक करती हैं असल में उनके अंदर उस जैसी अलामत पैदा करने की सलाहियत होती है। तो एज ए होम्योपैथ, अगर आप अच्छा होम्योपैथ बनना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी होम्योपैथिक फिलासफी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसके बगैर आप अच्छा होम्योपैथ नहीं बन सकते। तो ये हमारी जो आज की जो डिस्कशन पॉइंट ये था।